छठ घाट से वापस आ चुके हैं। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान अभी रखा हुआ है। अभी ऐसे ही हम लोग हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं इतना दूर जाना फिर आना, बट अभी टायर्ड होने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अभी कोसी बढ़ने का काम स्टार्ट करने वाला है। तो अभी चलते हैं कोसी बढ़ने की तैयारी में, जो कि मम्मी करने वाली है, अभी ऊँख निकालने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं कि हम लोग कोसी कैसे भरते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। अभी कोसी भरने में सबसे पहले जो मेन होता है वो होता है दिया और ढकनी। तो मैंने तेल डाला दिया में, जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद भाई भी आ गया, उसने भी उसमें हेल्प की, रूल डाला। उसके बाद ये सारा जो ढकनी है उसमें पूरी और ठेकुआ रहता है। मम्मी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अल्पना से चौका फूल रही है वो बोलते हैं। और उसके बाद हमें ढकनी में सारे फ्रूट्स वगैरह, चना वना, पूरी ठेकुआ सब डाला जाता है, भर के रखा जाता है। और उसके बाद जितने भी मतलब 24 ढकनी बोलते हैं हम लोग के यहाँ, उसके अंदर पूरी ठेकुआ फ्रूट्स सब कोसी के अंदर लगा के अच्छे से। और उसके बाद बीच में जो है वो कोसी होता है, जो पीला रंग का मम्मी रख रही है यहाँ पे, वो कोसी होता है। और उसको बीच में रखने के बाद सारे दिए जो मैंने तेल डाल के अभी रेडी किए थे, वो कोसी वो ढकनी के ऊपर जो पूरी है और ठेकुआ उसके ऊपर रख के उसे जलाएँगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे सोहर गवाता है पाँच छः, और उसके बाद चटमा का गीत गवाता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, तो मैं अपडेट लेकर फिर वापस आ गई हूँ। मैंने कोसी वगैरह भर जाने के बाद घर का खाना कंप्लीट किया। जी हाँ, घर में
इतने सारे लोग हैं तो भूखे तो रहेंगे नहीं। मम्मी का सिर्फ फास्टिंग चल रहा है, हम लोग तो भूखे नहीं हैं। तो सबके लिए खाना बनाया, सब खा चुके हैं, सभी शिफ्ट हो चुके हैं अपने अपने जगह पे, क्योंकि फिर अर्ली मॉर्निंग उठना है। तो अभी हम लोग थोड़ा सुबह में जो लेके जाना है सूप वगैरह, कौन सा फल है वो तो चेंज होता है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम और मम्मी कर रहे हैं। वो भी ऑलमोस्ट हो गया है और सब चीज़ हो चुका है, फल भी चेंज हो चुका है, दौरा भी खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत जो फल होता है वो सब जाएगा और बाकी सारा कोसे उठ के जाएगा। वो आपको सुबह देखने को मिलेगा ही कि वहाँ पे कैसे कोसे भरा जाता है। घर वाला कोसे तो आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग कैसे भरते हैं। होप आपको अच्छा लग रहा है ये छठ पूजा का ब्लॉग और इसको कंटिन्यू करते हैं। ये तो अभी जोड़ों की नींद भी आ रही है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और ज़्यादा तो सो नहीं पाएंगे हम लोग, बट जितना जितना हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी उठें, क्योंकि उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो कोसी है वो रात भर ऐसे ही लगा रहेगा, अभी नहीं उठेगा, वो मॉर्निंग में ही उठेगा। तो अभी जल्दी उठना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। बाकी सारा काम हम लोगों ने निपटा लिया है। मैं अभी नहाई हूँ थोड़ा फ्रेशनअप होने के लिए, अब फिर मॉर्निंग में नहा के हम लोग जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट सुबह में, तब तक लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के अभी सुबह के 1:30 बजे। एक सेकेंड में आपको टाइम दिखाती हूँ। जी हाँ, अभी 1:30 बजने वाले हैं। मैं ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ। अभी सबसे पहले हम लोग घाट ले जाने वाला जो सामान है उसको सेट करेंगे। ये जो कोसी है इसको यहाँ से हटा के दौरा जो होता है उसमें हम लोग सेट करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें एक जगह करने के बाद उसके बाद फिर मैं स्नान करूँगी, फिर रेडी होंगे, फिर हम लोग जाएंगे। तो उसमें काफ़ी टाइम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से ये सारे काम करते हैं। हटाओ पिंटू, हमारा ये जो कोसी का सामान है यही जाएगा आज घाट पे, इसको हम लोग अपने इस दौरा में सजाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस काम को करते हैं। पहले ये जो ऊख है इसको बोलते हैं भाई को कि पहले हटाए, हटाओ पिंटू इसे। मैंने दौरा में सब सजा दिया है। ये वैसे तो ये सारा दिया जलते हुए जाना चाहिए, बट चूँकि रास्ते में उबड़ खबड़ है जगह, अगर इधर उधर हुआ और गिर गया सब तेल वगैरह तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट घाट पे जाके हम लोग सब जलाएंगे। एक दो जला देंगे जब निकलेगा तो। और अभी फ़िलहाल सेट हो गया है, मम्मी यहाँ पे उठा के साफ़ करेगी। मैं बिना किसी देरी के जाऊंगी नहाने, मम्मी नहा चुकी है, वहाँ भी जाके इसको नहाना है, बट अभी भी नहा चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नहाते हैं, फिर रेडी होंगे, तब तक टाइम हो जाएगा निकलते निकलते। चलिए चलते हैं। तो बोला है अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने ये वाला स्कर्ट वेयर किया है। आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने ब्यूटू से लिया था पट्टा से, और आज के दिन मैंने ये टॉप वेयर किया है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था ये टॉप, तो इसको कॉम्बिनेशन करके मैंने आज पहना है। बताइएगा कैसा लग रहा है। और आज सीधा मांग रखना पड़ता है क्योंकि सुबह में जो है सिंदूर लगता है अर्घ देने के बाद। अगर आप लोग अगर छठ पूजा होता है तो आप लोगों को पता होगा, तो बहुत ज़्यादा देर ना हो इसलिए बिना बकबक किए चलते हैं। 3 बज चुका और आपको पता है कि घाट काफ़ी दूर है, तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए हम लोग के घाट जाने वाले रास्ते का डेकोरेशन। कल हम लोग जल्दी निकले थे तो लाइटिंग तो थी नहीं, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। जगह जगह पे मूर्ति भी बैठी हुई थी सूरज भगवान की, और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, बहुत ही ज़्यादा सजाया जाता है यहाँ इस रोड को जहाँ पे घाट है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा था। मैं आपको ओरिजिनल साउंड में नहीं दिखा सकती क्योंकि हर जगह छठ के गाने बज रहे थे, कॉपीराइट आ जाएगी, तो आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम। ओरिजिनल लाइट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता अगर आप देखते हैं सुनते तो, बट क्या कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही देखिए, मेरे पास जो म्यूज़िक है मैं उसी को लगा देती हूँ और आप डेकोरेशन देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये
यहाँ पे भी मैं आपको ओरिजिनल साउंड में वीडियो नहीं दे सकती क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं कि छठ का गाना चल रहा है और बहुत ज़ोरों से चल रहा है, तो फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। इसलिए मुझे वीडियो म्यूट करके आप लोगों को बोलना पड़ रहा है वॉइस ओवर करके। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल वीडियो में रहने दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट आ जाएगी, आप लोगों को पता ही है, ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए मुझे वॉइस ओवर करके डालना पड़ता है, इसके लिए सॉरी, क्या कर सकती हूँ मैं। और यहाँ पे एक ओसी लग गया है और जो दिया नहीं जला था वो सारे दिए को हम लोग जलाएंगे, वो सारा प्रिपरेशन कर रहे थे। और हम लोग हर साल छठ पूजा में नहा के आते हैं ताकि हम लोग भी पूजा कर पाएँ, साथ में मैं और भाई दोनों लगे हुए थे पूजा करवाने में मम्मी के साथ, तो ताकि जल्दी जल्दी कोसी भर के और उसके बाद यहाँ से कोसी जो होता है वो हम लोग भिजवा देते हैं ठेला गाड़ी से जो हम लोग आते हैं, क्योंकि उसके बाद भीड़ हो जाने के बाद इतना कंफर्टेबल वे में कोसी नहीं भरा पाता है, जगह जगह लोग हो जाते हैं, इसलिए कोसी भरना जब भी होता है हम लोग सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले का मतलब बहुत ज़्यादा सुबह में आते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग थे बट हाँ इतने नहीं थे कि कोसी भरने में कोई दिक्कत या परेशानी आए, आदमी आराम से कोसी भर लेता है। जल्दी आने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि आपको हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है, और कोसी जब भरा जाता है तो आदमी यहाँ से चला जाता है इसको लेके। तो आप लोग भी देखिए, हम लोगों ने दिया वगैरह सब जला दिया है, मम्मी पूजा कर रही है बैठ के, और कितना अच्छा लगता है। ये वाइब से यार मुझे और कहीं नहीं मिलती है जो छठ पूजा के दिन मिलती है ऐसे घाट पे। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट फेस्टिवल है ये। अगर कोई बोले कि सबसे बेस्ट तुम्हारी लाइफ का कौन सा दिन होगा तो मैं बोलूँगी छठ पूजा का दिन, उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, सबसे ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए ये दिन। तो देखिए कि कोसी भरा गया और सब हम लोग बैठ के यहाँ पर थोड़ा गाना वाना गाएंगे, देन उसके बाद कोसी उठ के चला जाएगा। यही तो होता है छठ पूजा, जो एक दूसरे को पास में लाता है, और क्या चाहिए, फैमिली साथ है, भगवान साथ है, यही तो होता है छठ पूजा। बोलते हैं ना कि महापर्व जो फैमिली को एक दूसरे के करीब लाती है, और सच में ये महापर्व हम लोग के सब भाई पापा बाबू सब आया था, बट बाबू पापा के साथ था क्योंकि भीड़ बहुत थी, ताकि वो खो ना जाए, बहुत सारे लोग खो जाते हैं, इसलिए पापा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए थे। वो लोग घाट पे थे, ऊपर में थे, आया छठ पूजा का घाट देखा और उसके बाद उसको पापा लेके चले गए ताकि भीड़ में खो ना जाए। वो पूजा करवाने का टाइम आदमी पूजा करवाएगा कि बच्चे देखेंगे, इसलिए पापा ने बोला कि मैं उसको संभालता हूँ। और बस हमारी खुशी जो है वो भर चुकी है, और ये अच्छा सा ये सारा जो वीडियो क्लिप है ये बेटा ले रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैंने बोला थोड़ा अच्छे से ले लेना सूप वगैरह, अभी खाली है तो रिकॉर्डिंग आ सकता है, फिर बाद में नहीं आएगा। और देखिए खुशी के उसके बाद का ये भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ शुरू हो गई है, जबकि अभी अंधेरा है, अभी सुबह नहीं हुई है, अभी से स्टार्ट हो चुका है भीड़, इसलिए हम लोग खुशी पहले भर लेते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों। देखना चूल्हा गिरे ना दिया यार। Gracias.
आधा लोटा इधर मुंह करना चाहिए था। ले जाओ और यहाँ पे जब कोसी जो रहता है वो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो कोसी का दिया वगैरह रहता है। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा एक दो फोटो क्लिक कर ले भाई यहाँ पे थोड़ा अच्छे पोज में, तो वही दिखा रही थी मेरी फ्रेंड की सिस्टर की वही फ़ोटो ले रही थी, तो दिखा रही थी मैं पोज दे रही थी। मैंने बोला थोड़ा जूम करके लो, अच्छा आ रहा था बहुत, तो वही फ़ोटो ले रही थी मैं। और उसके बाद फिर दिया जो है वो प्रवाहित किया मैंने, और भाई भी उधर रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो दिखा रही थी खींच की कैसा है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा रेडी हो गया आदमी तो थोड़ा बहुत तो फोटो क्लिक होता ही है, आपको तो पता ही होगा। तो उसके बाद मैंने दिया को फिर जल में प्रवाहित किया और फिर वहाँ से निकल लिए। दूसरा अर्घ कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों की पूजा हो चुकी है, आप सिंदूर देख के समझ ही सकते हैं, इसलिए अब हम लोग घर जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं सभी मम्मी उम्मी। तो इस छठ पूजा के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं रखती हूँ।